और आयुर्वेद के कारण हम सुखी रह सकते हैं। हमारा शरीर में जो तत्व है, सारे तत्व को संतुलित करने का क्षमता आयुर्वेद में है, पूरा कर सकती है। ये ऋषि मुनियों का वरदान है। सारे समाज के लिए ऋषि मुनियों ने, ऋषि का मतलब ये भी बता दूं, ऋषि का मतलब रिसर्च करके महापुरुषों ने आज अच्छे ढंग से व्यवस्था की। इसलिए हमारा पूर्वों जो ऋषि मुनि थे वो भी महान एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब भी रिसर्च, जो रिसर्च करते हैं और जो असलील को प्रयोग करने का जो विधान बना देते हैं, खोज करके जनहित के लिए जो लगाते हैं, उसको ही वैज्ञानिक कहते हैं। और हमारा ऋषि मुनियों ने ऐसा ही वैज्ञानिक थे, जिस मूत्र से विशोधन करके उस विशोधित औषधों को समाज में या लोगों में लगाया जाता है। इसलिए गौमूत्र एक ऐसा औषधि है कि जहर को और अमृत को अलग करने का गौमूत्र में क्षमता है। संपूर्ण रोगों का इलाज भी गौमूत्र से हो सकता है, संपूर्ण। तो भाई लोग, बाबा जी का जो आश्रम है, उनके जो महिमा है, उनकी जो मतलब लोगों की आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, वो इस जगह से वाकई में रग रग पे, कण कण पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक बिल्डिंग है, फिर से एक नई जगह पे लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों को। उस बिल्डिंग पे आप लोग देख सकते हैं कुछ रखे गए हैं ब्लैक, तो उसके पास मैं लेके जाऊँगा। दरअसल वो भी एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा मतलब तथ्य है, बहुत बड़ी पदार्थ है। दरअसल उस चीज़ से लोगों का जो दंत मंजन होता है वो बनाया जा रहा है अभी, ठीक है। लोग देख सकते हैं गोबर से बनी हुई है, गोबर से बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और इसी से मतलब दंत मंजन बनाएंगे इन्हीं बाबा की आश्रम से। तो भाई लोग, हम लोग आ गए हैं गौशाला पे, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे गायों रखा गए हैं और यहीं से उनकी चारा देते हैं। लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं इनको संभालने के लिए, देखरेख करने के लिए। हम लोग गौशाला के अंदर पहुंच चुके हैं और ये जो डिब्बा देख रहे हो आप लोग, इसमें चारा रखा जाता है, ठीक है, चारा भूसा। और इधर से जो गाय बैल हैं वो रहते हैं और इस तरह से उनके चारा। हम बाबा जी के आश्रम से और एक नई जगह पे आप लोग को लेकर आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो गाय बैल होते हैं इस जगह के, जो मतलब गौशाला है, तो उनके लिए जो पैरा है जो यहाँ पर रखा गया है, भूसे पैरे जो भी हैं, इनको कूट के एक जगह से संग्रहित किए गए हैं इस जगह पे। और यहीं से जो गाय होते हैं, गायों को चारा दिया जाता है। गायें उधर है, ठीक है, वो जो लंबी आप लोग लाइन देख रहे हैं छत का, वहीं पर रहते हैं, गौशाला है वह। तो मैं आप लोग को लेकर चलूँगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, यहीं पर चारा रहते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को गौ माता की आपको दर्शन भी कराता हूँ। अभी हम लोग गौशाला के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बैलों को, गाय है, सॉरी माफ़ कीजिए, जर्सी गाय है, आप लोग देख सकते हैं इधर, और बछड़े हैं उनके, बछड़े उधर, ठीक है। तो अभी हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं, तो बड़ा सा सांड है वहाँ पे, और ये पानी है पीने के लिए, पानी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये सांड है भाई, ठीक है, यहीं पर रखे गए हैं, उनको भी देखभाल किया जा रहा है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी अभी हम फलसापाड़ा फलसापाड़ा जा रहे हैं। क्या काम से जा रहे हैं? कुछ मेरा
पैरा लेने जा रहे हैं, जो आपका मतलब गौ सेवा है केंद्र है, जो गाय भैले हैं उनके लिए आप पैरा लेने जा रहे हैं भैया, ठीक है। और कितना साल हो गया भैया आप इस जगह पे? हमको हम 6-7 साल हो गए। तो यहाँ का जो अनुभव है थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कैसे लगता है इस जगह पे आपको? ये जगह तो बहुत अच्छा लगता है, मन को एकदम शांति मिलता है जी, और रहने के लिए भी अच्छा लगता है। शिष्टा और संस्कार भी बखूबी इस जगह से मिलती है लोगों को। और भैया आप इस वेश में आप ड्राइविंग कर लेते हैं? ड्राइविंग तो हाँ थोड़ा बहुत जी, इस आश्रम में रहते हैं तो मतलब 2-4 किलोमीटर कुछ सामान लाने ले जाने के लिए आप ड्राइविंग भी करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। चलिए तो भैया, जिससे हम अभी फिलहाल हम जा रहे हैं दूसरा जगह। अब इस तरह से बहुत सारी जगह है, आप लोग देख सकते हैं बाबा उदयनाथ जी के आश्रम में पहुँचे हम लोग। इनका ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पर जो सामान है आप लोग देख सकते हैं, इधर गाय बैल बहुत सारे, उनके लिए पेड़े चारा जो भी है लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग और एक नई जगह पे जा रहे हैं, दरअसल बाड़ी यानी कि जहाँ पर जो साग सब्जी है उगाई जाती है, और वो वाला सीन हम आप लोगों को दिखाएंगे बाबा जी के इस आश्रम पे, साग सब्जियाँ कैसे कमाते हैं और कैसे उसको यूज में लाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक संकरी सी रास्ती है और इसी रास्ते के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। बाड़ी पे पहुंच गए हैं, देख सकते हैं बाड़ी है, इधर बैंगन लगाए गए हैं और इधर लगाए गए हैं टमाटर, आगे आप लोग को मूली व आलू लगाए गए हैं। तो खाने पीने के लिए जो ज़रूरतमंद सामान है, साग सब्जियां, वो आवश्यकता अनुसार इधर लगाए गए हैं बाबा जी के। चलिए मैं आप लोगों को और एक नया कमरा पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और एक कमरा में जाके देखते हैं। और ये है अपना औषधि का केंद्र भाई, आप लोग देख सकते हैं एक से बढ़कर एक आपको दवाइयां जो है इस जगह पे देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप मतलब कोई मेडिकल में जाते हैं ना तो देखते हैं, उसी तरह से इसे हम आप लोग देख सकते हैं, टोटल पूरी तरह से आयुर्वेद है। आप लोग देख लीजिए, हर प्रकार के रोगों का इलाज इन आयुर्वेद से संभव है। और जो बाबा जी हैं उनके अनुभव से, उनके मतलब जानकारी से ये दवाइयाँ जो है उनके आदेश अनुसार तैयार की जा रही है। और मैंने बता दिया है नाना प्रकार के जो रोग हैं आयुर्वेद से उनका इलाज होती है, लोग सफल भी हुए हैं इस दवाई का सेवन करने के बाद, रोग का दूर भी हुआ है इस जगह से नहीं सकते हैं। आइए, उदयनाथ जी का बाबा आश्रम कांडसर पे है और लोकेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है ना। दुर्यागुड़ी से आइए, किसी को भी पूछिए यहाँ पर पूछने के बाद कि बाबा उदयनाथ जी का आश्रम कहाँ है, बच्चा भी आप लोगों को जगह दिखा देगा, तो ठीक है। और ये जो आप लोग 3 बोतल देख रहे हैं, दरअसल यह गौमूत्र है और गौमूत्र का आयुर्वेद के ऊपर बहुत बड़ी स्थान है, बताने की जरूरत नहीं है। कैंसर जैसे बड़े से बड़े रोगों को भी इलाज करने में सक्षम है। और आश्रम में हमें मिले हैं हमारे सब्सक्राइबर भाई, आप लोग देख सकते हैं, हाय बोल दीजिए एक बार। हाय। और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पम यादव है। और मेरा नाम गणपति यादव है। और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो हमसे मिलके बहुत खुशी लगा मुझे उनसे मिलके, और बताया कि भैया जी हम आपका वीडियो देखते हैं, आपका चैनल देखते हैं करके, तो और भी अच्छा लगा। तो इस तरह से हम मुलाकात होते रहेगा हम लोग का, तो भैया थैंक यू मुझे होता है। तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा गोबर गैस, देख रहे हो आप लोग, शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, वही गोबर गैस है। मैं चलिए मैं आप लोग को सामने लेके जा रहा हूँ। तो ये गोबर है और गोबर को एक टंकी बनाया गया है, टंकी में डालते हैं, फिर जो गोबर है अंदर से आता है ना, अंदर से ये अंदर से जाती है और इसे जो बड़ा सा टंकी है और बाहर निकलता इस टंकी पे जाती है और यहाँ पर प्रोसेस होता है, कुछ जो है ईंधन के जो है प्रोसेस होता है, उसके बाद जो अवशेष है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, उस साइड निकल जाती है। तो मैं पूछता हूँ भाई लोगों से कि यहाँ पर कैसा लग रहा है उनको काम करने के बाद, कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है, यहीं हम काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं गोबर को लाते हैं और जो हमारा गाड़ी है जो गोबर खींचने का, उससे 4 गाड़ी लाते हैं और इसको पूरा
डालते हैं इस टंकी में और पानी चलाते हैं। पानी चला के फिर इसको एकदम गीला कर लेते हैं, पतला हो जाता है ना। जो अंदर वो ढक्कन है, अंदर ढक्कन को ऐसे निकाल देते, खोल देते हैं, खोल देते हैं तो पूरा वो अंदर चले जाता है, अंदर चले अंदर जाता है, इधर जाता है। हाँ, फिर जाने के बाद अवशेष जो उसका बनता है और उधर जाता है वो रॉड में। जो प्रोसेस होता है, ये गैस बनता है, गैस जो है वो पतली सी जो रॉड है वो सीधा रसोई पे जाती है, उधर से गैस होती है, ठीक है, और जो अवशेष है उधर बाहर निकल जाता है, और ये मतलब जो धुआं है वो धुआं ऊपर जाता है। तो चलिए धन्यवाद भाई। तो चलिए मैंने आप लोगों को गोबर गैस दिखा दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है जो गैस है, यहीं से ऊपर जाता है फिर उधर आश्रम तक जाती है, गैस पाइपलाइन है। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो पर मैंने आप लोगों को दिखाया श्री उदयनाथ जी का आश्रम, जो उनके आयुर्वेद का ज्ञान, उनके आयुर्वेद से कैसे लोगों को ठीक करते हैं, उनका जो मंदिर है, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया वीडियो के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सो गए दोस्तों, चलिए भाई लोग आज का वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।